जर्मनी से हम आए हैं और इटली विजिट कर रहे हैं आजकल, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। परी ने ये ले ली है और वो कह रही मैंने फैन लेना। अरे पानी के पास या शूट वगैरह हो रहा है। इतनी प्यारी सी बोर्ड है यहाँ। कोई ऐसा नहीं है कि ऊंची ऊंची गलियां हैं और पानी नीचे, बिल्कुल इक्वल है ये, इस तरह की गलियां हैं साथ साथ। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। एंड बस मैं उठी हूँ, रेडी हुए हैं। इस टाइम हम कहाँ हैं, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा इस टाइम हैं हम इटली के शहर विनस में। और बस अब बाहर जाएंगे हम लोग, सारा विजिट वगैरह करेंगे और देखते हैं कौन कौन उठा है और कौन कौन आया है। आप लोग को पता ही होगा जो हमारे ब्लॉग देख रहे हैं और जो हमारे चैनल पे अभी न्यू आए हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि जर्मनी से हम आए हैं और इटली विजिट कर रहे हैं आजकल, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम इस एक होटल में हैं हम। हाँ, अब्दुल्ला साहब नहीं उठने का नाम ले रहे, यहाँ आयत भी सो रही है, तो परी चली गई है फ्रेश होने के लिए। तो जैसे ही सब फ्रेश होते हैं और निकलते हैं हम लोग बाहर, तो हमारे साथ रहिएगा वीडियो का अंत तक, लाजमी देखिएगा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलते हैं दूसरे रूम में और हेलो दूसरे रूम वाले से पता करते हैं कि उठे हैं या नहीं। साथ ही हमारा रूम है। ओ, उठ गई हो गई रेडी? बस लास्ट। अच्छा, मेकअप में आके कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ यार, बस ऐसे हमारा था प्लान, हमारा चलते फिरते ही हो गया अचानक। हाँ, की कोई प्लानिंग करके नहीं आए थे कि स्टे करेंगे, बट स्टे करना पड़ गया। खैर, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह देख के ना सब कुछ भूल जाओगे तुम। चलो सही आ जाओ। यहाँ जी सारे उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग। परी किसके शूज पहन लिए? अच्छा ला ला, परी आयत के शूज पहने ना, इसीलिए वो कह रही है क्यों मेरी पापा के शूज पहने। क्या शूज? पापा के शूज पहन लिए। आपसे ही ड्रेसिंग की थी लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी रात से हो जाएगा, तो हाँ ऐसे ही है। माजरत के साथ आपको उन्हीं कपड़ों में देखना पड़ेगा, नेक्स्ट ब्लॉग भी देखना पड़ेगा। ये है जी मेरी फाइनल लुक, कल वाले ब्लॉग में भी कुछ इसी तरह की थी। ये देख लो अच्छे से, कुछ रह तो नहीं गया। जल्दी वो लोग चले गए, बंद कर दो। यहाँ जी चेकआउट हो रहा है और काफ़ी बड़ा होटल है ये, बड़ा खूबसूरत सा है। और ये किचन वगैरह भी है इस साइड पे, ये इधर सारा किचन बना हुआ है जी। अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। यहाँ से तो हो गया है, फारिग हो गए और अब फ्रेश भी हो गए। हम पहुँच गए हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से वही टिकट शिकट ले रहे हैं इनके बाबा और परी यहाँ बैठी हैं, अब्दुल्ला साहब यहाँ, इनको प्यास लगी है, आयत ये हैं। और यहाँ जी ये सारी बोट शोट खड़ी हुई हैं और यहाँ से टिकट लेते हैं, यहाँ बोट से बैठ के फिर आगे जाएंगे। आयत गुड, बोट पे बैठने? अच्छा कौन सी वाली, छोटी वाली पे? हाँ जी ना जी, कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त। अभी तो बोट में बैठ के देखेंगे, एक्सपीरियंस होगा बोट में बैठने का। नहीं थर्ड। अच्छा पहले बैठी हो? पाकिस्तान में दो दफा बैठी हो। हाँ, यूरोप में एक्सपीरियंस। हाँ, डिफरेंट। और फिर वेनेजिया जाहिर है। हाँ चले, जब हम लोग जा रहे हैं हम लोगों ने सारी टिकट ले ली है, हम लोग डूब गए तो यार डोगी भी लाए हैं इधर, थोड़ा तो साथ रख देते हैं, हम लोग चलते आगे। स्टार्ट हो गई है हमारी बोर्ड और हमारा ही वेट कर रही थी। ओके जी, अब मैं जा रही हूँ पीछे ओपन एरिए में। अच्छा लग रहा है ना, आवाज़ भी है। और पीछे चली जाओ, हाँ और पीछे भी है जगह, इतना प्यारा लग रहा है। माइक बैग में
शूट कर रहे हैं यहाँ, बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें आ रही हैं भाई। घर वगैरह नजर आ रहे हैं, अभी हम जाएंगे बोट है, हम बोट में से आगे हैं और अब जा रहे हैं दूसरी साइड पे, और ये सारे यूं हिल रहा है, और ये आ गए हैं हम पानी वाली गलियों में। हम पहुंच गए हैं, यहाँ उतर गए, बट आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि किस साइड पे जाने हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इनके बाबा, तो देखते हैं क्या करते हैं, आगे हमने जाना है या यहाँ से ऊपर जाएंगे। क्यों परी? परी ने ये ले ली है और वो कह रही मैंने पहन लेना। अच्छा, परी ब्रेसलेट, परी ये कौन सी फ्रेंड के लिए? एक ली है सही से, एक की और दूसरी नाराज हो रही है। आए तो आपको फैन चाहिए? यहाँ ये जी स्टॉल लगा हुआ है बिल्कुल पानी के पास, यहाँ शूट वगैरह हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ओह सॉरी, हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। आइजल आपने कुछ नहीं लेना? नहीं, तरह वो देखे ना, वो उसके पीछे विनेजिया लिखा हुआ है जिसके ऊपर वो लेना, ये इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है। ये नहीं लग रही। आपने कौन सी ली है? मैंने कहा किसी के गिफ्ट्स वगैरह। हाँ जी, यहाँ से इन्होंने किचन वगैरह भी ले ली है। अब्दुल्ला हर चीज पकड़ा देता है। अब्दुल्ला यहाँ से ऐड देख लो यार, नहीं सही है, तुम एक ही रेड पहनते हो। चलो 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 आगे चलते हैं, आगे भी बड़ा कुछ है। ठंडी हवा में फिर भी फैन ले लिया है। पकड़ो पकड़ो आइजल को, पकड़ लो आइजल को, पकड़ लो आइजल को, पकड़ लो, आगे देख के चलो भाई, आगे आगे आगे, भागो 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 आइजल, भागो। लाहौर लग रही है, पुराना कोई उनका है इस तरह का काफी। अजहीर यहाँ रहते हैं लोग। हाँ वो ऊपर, वो देखो ना मोटर चल रही थी, और यहाँ पर भी पानी, और यहाँ पर भी पानी, हर जगह ये गली से निकलो यहाँ पानी, यहाँ इस साइड से भी पानी है और इस साइड पे भी पानी है। ये देखो पतली पतली गली है इधर अंदर ये एरिया में, और हर तरफ चारों तरफ पानी, और यहाँ लोग रहते हैं भाई, रिहाइश है यहाँ। पतली गली से निकले लंबी से लाहौर की वो अलवारी, अंदरून शहर में इस तरह की होती है पतली पतली गलियाँ। और ये कहाँ चले गए? लेकिन ये कि ये किसी के घर चले गए। बाबा कहाँ गए? अच्छा, बहुत नीट है, मतलब साफ सुथरी है, कचरा कुचरा नहीं है। सारी मार्केट वगैरह इस तरह की गलियाँ हैं, और अब हम जा रहे हैं ऊपर। बहुत अच्छा, अच्छा अलग फीलिंग आ रही है, अलग ये फीलिंग आ रही है। और ये है जी, ये देखें जी, पानी 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 ही पानी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी पानी। इतना जबरदस्त लग रही है, कितनी प्यारी सी बोर्ड है ये। स्टड में हम लोग आ गए हैं, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा, और यहाँ बैठ के जी कुछ खाएंगे पिएंगे, बैठ के ये कॉफ़ी शॉफी पी रहे हैं, ये इस तरह का थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगी, और कॉफ़ी लेने गए हुए अंदर, और फिर यहाँ से खा पी के फिर निकलते हैं हम लोग। चलो जी, कॉफ़ी भी आ गई है, फाइनली खाना शाना हमने खा लिया है, कॉफ़ी वगैरह आपको दिखाती हूँ। ये है जी एम्बुलेंस, ये देखें यहाँ कोई एमरजेंसी या कुछ हो जाए तो फिर ये बस इधर गलियों में घूम रही है। और ये हॉस्पिटल है। कौन सा? अच्छा ये वाइट वाला, हाँ ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। तो ये सबके लिए, सबके लिए है ये लोग के, ये जो इधर सब घूमने आए उनके लिए, रिहायशियों के लिए है ना, इधर घूमने आए। अच्छा अच्छा, वो घोड़ा भी है, कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे ना, बिल्कुल पानी के यूँ साथ है, कोई ऐसा नहीं है कि ऊंची ऊंची गलियां हैं और पानी नीचे, बिल्कुल इक्वल है ये, इस तरह की गलियां हैं साथ साथ, और ये रिहाइश अंदर सारे घर वगैरह बने हुए हैं। देखें जी कितनी प्यारी प्यारी यहाँ बिल्डिंग्स बनी है। अब हम जा रहे हैं मेन पॉइंट पे, वहाँ मेन पॉइंट पे जाके आप लोगों से मिलेंगे, वो तो कमाल की जगह है। फिर जा रहे हैं, ये देखो यहाँ इधर भी पानी है इस साइड पे भी, और यहाँ पर कपड़े भी सूखने डाले हैं उन्होंने धोकर। कैसा यार, कैसा फील होता होगा इन लोगों को, है नो आए हैं तभी तो आपने लिए। ये देखो ये सब घर हैं, और ये पानी ना ये दरवाजों से
ये देखें कैसे पानी जो है ना बिल्कुल दरवाजों के साथ है, और ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग्स ऐसे ही है वीरान है, इधर रहते हैं लोग। ये इन्होंने लिखा है कि ये काफी वर्ल्ड, हाँ चलें जी अंदर एक विजिट कराते हैं जल्दी से, कि बहुत कहते हैं कि बड़ी शॉप, रश बहुत ज्यादा है भाई। ये है जी बुक शॉप, काफी बड़ी। हम शॉप के अंदर आ गए, काफी बड़ी है यार, बहुत बड़ी है अंदर तक के सारे। और चीज दिखाती हूँ, पतली सी गली, सिर्फ एक बंदा जा सकता है यहाँ से, दूसरा बंदे के लिए जगह नहीं है अभी। देखो तो सही कितनी पतली गली है, वहाँ परी परी इधर मोटी लग रही है। यहाँ से जी बोर्ड शॉट का पता करता है। Come back later. The water is very high. Okay. I'm not able to go under the bridges. I'm so sorry. So for the under the bridge, cannot you go because water is very high? I told you. Yeah. I told you now. Yes. Okay. चलो ओके ब्रिज के नीचे से कहरा नहीं जा सकता। अच्छा पानी ज्यादा है उधर, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। सही चले, ये कह रहा है कि पानी हाई बहुत, फिर वो जाहिर है ऊंची हो जाएगी ना और ज्यादा वो लग जाएगी ना उसकी। फिश भी है, कितनी सादा है वो देखो, ये छोटी छोटी नजर आ रही है ना। ओ बड़ी बड़ी वाली भी है, अभी हमने इस पे बैठना था बट उसने कहा कि पानी बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये बोट नहीं जा सकती, आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो हमने मैप लगा लिया, मैप कहाँ है, चलो मैप लगा के हम पैदल पैदल जाएंगे, जो मेन पॉइंट है उधर। वो कितनी प्यारी लग रही है, पतली पतली गलियों में इस तरह की शॉप्स बनी हुई है। चले हम चलते हैं, आज वीनस की गलियां घूमते और मेन पॉइंट पे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं मैप शैप लगा कर। अब जी गलियों में चल चल के हमें लग गई है प्यास, और अब एक यहाँ पिज़्ज़ा शॉप पे हम लोग रुक गए, यहाँ से पानी शानी लेते हैं और फिर थोड़ा पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं। गलियों में आज ना ठंडी ठंडी हवा चली है, थोड़ी धूप में धूप लगती है, हीट लगती है, बट बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये ना बाजार लग रहा है एक, है ना, ना पीछे भी सारी शॉप्स वगैरह और यहाँ से आगे से भी कितने ज्यादा लोग उधर है। हम लोग अब गूगल मैप ही हमें कहीं लेके जा रहा है, मेरे ख्याल से पॉइंट पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ बाजार में से आए, बिल्डिंग्स देखे कैसी है, यहाँ पानी इस साइड पे चल रही है बोट वगैरह, बट अंदर बिल्कुल नहीं थी चल रही। इस तरह की शॉप्स इतनी ज़्यादा हैं और काफ़ी मार्केट्स में से आए, इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स बनी थी। मेन पॉइंट जो है इधर का वीनस का, आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं, 10 से 15 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे था। कितना प्यारा लग रहा है, हाँ ये इस जगह का कह रहे थे ना मीनार, ये सबने भाई शूज़ वगैरह अपने उतार लिए, बारिश की वजह से पानी जमा हो गया इधर। हाँ बारिश आई थी ना उसकी वजह से इतना ज्यादा पानी जमा हो गया। आई है ना हमारे आने से पहले। ये देखे कितने सीरियस यार, इतने सीधे साधे हैं ना ये दोनों, पूरा तब से ये लोग पानी पानी देख रहे और अब मैंने कहा कि बारिश की वजह से पानी आ गया तो नाजी भी मान गए, अब्दुल्ला भी मान गए। अच्छा और मैं पता क्या सोच रही हूँ, लोगों ने पीछे से चलते आ रहे हैं, सूरज निकला हुआ है, कोई बारिश नहीं है, मैंने यकीन नहीं किया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। बनावट होती है जो थोड़ी क्या कहते हैं उसको, कहते हैं एक्टिंग करनी पड़ती है बताने। अच्छा ये कितनी तेज है यार, देखो तो सही कितना प्यारा है ना। चलिए शूज उतार के हम लोग भी हाथों में पकड़ लेते, आइजल गोद में थी बट आइजल कह रही है मेरे भी शूज उतारे, तो हम सब ने अपने अपने शूज उतार के हाथों में पकड़ लिए। परी नहीं उतारती यार, परी क्या मसला है, परी को पता नहीं क्या है, कहती मैं शूज उतारू ना तो हल्के हल्के लगता है, फिर गीले शूजों के साथ तुम गाड़ी में बैठोगे, उतार रहे हो। चलो जी टेंट ऊपर चढ़ा लिए आइजल ने, अगर आ रहा उठा के आए तो आइजल तो खुश हो गई है कि
तब से हम जो है ना पानी देख रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था पानी में उतरना, और ये पानी देख के जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। चलते हैं अब अपनी रोके शुरो के टूटते और निकलते हैं आगे। हाँ जी हाँ, नहीं बैठना नहीं है, स्विमिंग नहीं करनी है, चलो आगे चलते। स्विमिंग पूल समझ, सही बात है, उसका हाथ पकड़ लें, स्लिप भी हो सकता है। अच्छा अच्छा सर, ये क्या चीज, अल्लाह ये किसी ने ना, ओह माय गॉड, ये हाँ पानी में किसी ने डाले, एकदम ये सर के ऊपर से उड़ के आई है, और कितनी ज्यादा है। हाँ ये किसी ने कुछ डाला, नहीं किसी ने कुछ डाले और एकदम भागते, शुक्र है कि बच्चे वहाँ से हट गए, बच्चों वाली जगह पे ही आए थे। फ्रेंड्स फाइनली हम मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और इधर पानी ही पानी है, तब से हम लोग पानी देख रहे थे, अब पानी में हम लोग उतर भी गए, सबने शूज वगैरह अपने उतार लिए, और बस ये देखें जी ने कैसा बांधा, मैं कि ये क्या किया है। हाँ सही है ना, ज्यादा संभालनी नहीं पड़ेगी। चले जी चलते हैं और आगे, और आगे चल के देखते हैं। चारों तरफ एक जैसी बिल्डिंग बनी हुई है, वेरी नाइस। घंटे के बाद नीचे चले जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है जब टेम्परेचर हाई होता है। अच्छा अच्छा, वो समुंदर जो है वो ऊपर चला जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, कश्ती वाला। अच्छा वो कश्ती पे इसलिए नहीं बिठा रहा था। हाँ सही सही, वो जब समुंदर नीचे जाएगा ना, ये सारा वो पुल भी सही हो जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा ना, वो कश्ती गुजर जाएगी। सही सही। अच्छा वैसे इधर पानी नहीं होता है ना, ये इधर बिल्कुल नहीं सा। अच्छा 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 सही। चलो जी ये सारा सिटी है इनका मेन जो है जगह, और ये पानी शानी आ गया, आप लोगों ने सुन लिया कि क्यों आया है। बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे भाई। इस साइड से हम निकल आए हैं, और यहाँ से ये सामने पानी ही पानी है, और हमने शूज अभी तक नहीं पहने क्योंकि हमारे शूज इनके मामू ले गए और वो मिल ही नहीं रहे हो। अब्दुल्ला क्या हुआ, भागते भी क्यों यार, सीरियसली यहाँ जाओ ना, ये फुल तपर रही है ये जो जमीन है, और अब्दुल्ला फटाफट इधर आ गए। दोबारा से ट्राई तो करो यार, ये देखो सारे लोग जा रहे हैं बट हमारे शूज ही नहीं मिल रहे, शूज लेकर इसके मामू पता नहीं कहाँ चले गए। चलो चलो अब्दुल्ला जा रहा है उस साइड पे, पानी वाली साइड पे, और अब्दुल्ला की स्पीड देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। ओए ओए कहाँ अब्दुल्ला भागा कि ठंडे वाले फर्श पे चले जाते। और इधर ठीक है अब्दुल्ला, ठंडा इधर चले जी। ए उनको गए कहाँ है, पता नहीं किधर चले गए, हमारे शूज गायब और हम नंगे पाँव घूम रहे। देखते हैं यहाँ स्टॉल वगैरह लगे हैं क्या क्या है, मार्केट तो अंदर देखा है बट यहाँ से ये स्टॉल भी देखते हुए चलते हैं अंदर। सारी इस तरह की शॉप्स हैं यहाँ, कैसी लग रही है। हाँ अच्छा लग रहा है, वाह। यहाँ देखे इस तरफ पानी है, इस तरफ ये इस तरह के स्टॉल लगे, हर जगह पानी ही पानी है, बहुत ही खूबसूरत यही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट हमें जाना पड़ेगा क्योंकि आगे हमने नेक्स्ट फिर निकलना है कहीं और। ये हमने बैग ले लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से लिए हैं। वो मैं बोतल लेने गई थी, फिर हम शॉपिंग करने लग गए। ये देखो बैग खोल के देखो, बोतल मिल गया, वही इन्हें दिलाया। हाँ मिल गई, मिल गई है, नहीं चाहिए अभी मैं निकला हूँ। अच्छा अच्छा बैग तो देखो यार, मैंने कहा एक उसके लिए भी ले लेते ना जिसको घर छोड़ के आए। चले सही गल, कुछ तो चाहिए। ओए मुझे भी दो, बोला खा रही है इधर बैठ के पानी के पास। एक चम्मच छोड़ दे यार, क्या उधर से ले आना, ये गोले खा रही है। और आइसक्रीम लेनी है गोला, दवाई का टेस्ट।
नहीं मजे का दिखा चेरी होगी चेरी दवाई है अच्छा कालपोल के लिए गले के लिए अच्छा अच्छा वाली आइसक्रीम अच्छा आज जी हम लोग घूम रहे हैं कहाँ की गलियों में पानी वाली गलियों में घूम रहे हो यहाँ पानी ही पानी है ना खूबसूरत Few moments later. हम थक गए बहुत ज्यादा और हमें पता नहीं है कि हमने जाने किस साइड पे मैप लगाया है तो अब भाई चेक करने गया है कि किस साइड पे हमारी बोट खड़ी है जिसपे हमने वापस जाना है अपनी गाड़ी के पास वो बस देखते हैं कितना टाइम लगता है नाजी थक गई हो बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है बहुत अच्छा लग रहा है अब जाते हैं दोबारा से अपनी बोट में बैठते हैं जी फ्रेंड्स अब हम आगे हैं एक शिप में बैठ गए हैं और बड़ी आयत तो यहाँ देखी जा रही है आयत Are you happy? Yes. Okay, जी फ्रेंड्स हम एक बोट से अब आगे हैं इधर बैठे हुए हैं और आयत करिए कि मैंने जाना है स्विमिंग करनी है अब हम इधर क्यों बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि यहाँ हमारी एक और बोट ने आना है तो वो हमें लेकर जाएगी हमारी गाड़ी तक तो बस यहाँ पानी शानी पीते हैं ड्रिंक वगैरह लेने गए हैं कुछ खाने पीने के लिए और ये देखें जी यहाँ टांगे लटका के हम लोग बैठे हैं अपनी बोट का वेट कर रहे हैं आयत तभी क्या कह रही थी ये बोट आएगी तो हम क्या करेंगे PR ये कहती है ये बोर्ड आएगी तो हम इसको PR करेंगे तो बस हमारी बोर्ड आने वाली है तब तक हाँ मैंने कहा आएगी तो हम इसको टांग मारेंगे कहती नहीं नहीं मम्मा खपुट हो जाएगी आएगी ना ये बोर्ड हमारे पास तो हम इसको PR करेंगे तो बस इधर बैठ के अभी कुछ खाते पीते और बहुत गहरा पानी है यहाँ और फिर उसके बाद अपनी बोर्ड आती है तो फिर चलते अपनी गाड़ी तक हमारी नेक्स्ट बोट आ गई है ये हमें लेके जाएगी हमारी गाड़ी तक यहाँ इसमें से हम अब हम जा रहे हैं इस शहर को हम अलाफिज कर नहीं आया तो यार डर लगता है चलो वो बैठे उधर चल के बैठ नहीं नहीं चलो भागो 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 जी टिकट चेक करने वाले आ गए हैं या टिकट चेक कर रहे हैं सबकी फाइनली हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में और यहाँ ये है स्टेशन जी इसका बोर्ड वगैरह के यहाँ से टिकट लेके ये सब साथ ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना शाना खाते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए इधर ना वो खाने नहीं मिले हमें ना पाकिस्तानी ना इंडियन और वो दूसरी चीजें मिलती रही हैं तो वो हमने खाई हैं बट जब तक हम अपना खाना ना खा लें हमारी भूख खत्म नहीं होती है कि हम पाकिस्तानी या इंडियन कोई हलाल फूड ढूंढेंगे वो खाएंगे फिर हमारा पेट फुल होगा और ना जी की फिर जान में जान आएगी है ना जान में जान है लेकिन भूख लग रही है हाँ चलो चलते हैं ओके जी फ्रेंड्स फाइनली अब हम खाना खाने आ गए हैं काफ़ी सर्च करने के बाद हमें ये एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट मिला है यू नो के वेनिस में भी हम खाना खा सकते थे बट वहाँ हलाल फूड नहीं मिला हमें कहीं देखने को नहीं मिला पाकिस्तानी एंड इंडियन रेस्टोरेंट तो जब हम गाड़ी में बैठे तो सबसे पहले हमने यही काम किया कि सर्च किया हमने हलाल फूड इंडियन पाकिस्तानी जो भी मिल जाए तो करीब एक ये बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था यहाँ आए हमने खाना खाया बहुत ही मज़े का था जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ पाकिस्तानी बांग्लादेश इंडिया के लोग इतने ज़्यादा हमें देखने को मिले हमें ऐसा लग रहा था कि हम इटली में नहीं पाकिस्तान में घूम रहे बहुत ही अच्छा लगा और आज मैं ये सारा दिन सोचती रही हूँ कि भाई वेनिस में हम जहाँ गए थे पहले वहाँ बिल्डिंग्स बनी होंगी या तो पानी आया होगा मैं यही सोचती रहूँ अभी तक मुझे इस बात का पता नहीं चला जिसको पता है तो वो ज़रूर बताइएगा कि वेनिस में पहले पानी आया था या पहले बिल्डिंग्स बनी थी जो भी है अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो खैर आज हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओके अल्लाह हाफिज़ बाय